बताएगा कि आने वाले दिनों में कौन बंगाल की सत्ता में राज करेगा। ये वो बातें हैं जो न सिर्फ बीजेपी जानती है बल्कि उन्हें अमली जामा पहनाने का प्रयास भी कर रही है। बार बार पार्टी अगर लोगों तक जा रही है तो उसे ये भी ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे लोगों तक जाएगी वैसे वैसे लोगों तक पहुँचने का प्रयास भी करेगी, और साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखेगी कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। पार्टी जिस तरह से बार बार मिलकर बात करने का प्रयास कर रही है, शिशिर बाजोरिया हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे आप आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और क्या ये ममता के गढ़ में सेंध लगाने की बात है? देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ के जो चुनाव का हमारा कार्यालय है उसका उद्घाटन करेंगे और इसी से हमारा शंखनाद हो रहा है इस चुनाव रण की तैयारी में। ये चुनाव हमारे लिए जीतने की चुनाव है, इसलिए ये आज का हमारे अध्यक्ष जी का प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप बात कर रहे हैं भवानीपुर की, तो क्या ये दक्षिण बंगाल में भी बीजेपी के बढ़ने का प्रयास है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं था? लोकसभा चुनाव में हमारा प्रदर्शन, हम 122 विधानसभा में लीड लिए थे, और जहाँ तक भवानीपुर का प्रोग्राम है, भी डायमंड हार्बर है, एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक है। सर्जिकल स्ट्राइक क्यों कह रहे हैं इसको, क्या कारण है कि इसे सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा रहा है? पीसी और भाईपो उनके घर में। हमारे व्यूअर्स को पूरा डिटेल में बताएं कि आखिरकार क्या है पीसी और भाईपो, क्यों कहा जा रहा है पीसी और भाईपो, क्यों कहा जा रहा है, पूरा विस्तार से बताएं। जब यहाँ पर आप किसी को पीसी बोले या भाईपो बोले तो आप और हमारे पीसी और भाईपो का तो बात है नहीं। यहाँ पर यदि किसी देश में किसी को राजा बोले तो कोई पूछता नहीं है राजा कौन है, वैसे ही आप पीसी एक ही है, भाईपो एक ही है। किसी चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसका दरअसल मतलब ये है कि बंगाल में पीसी का मतलब है बुआ, बांग्ला भाषा में बुआ कहते हैं, और उसके साथ साथ है भतीजा, यानी कि अभिषेक बैनर्जी जो डायमंड हार्बर विधानसभा से सांसद है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से सांसद है, और ऐसे में ये भी बताता है कि किस तरह से पार्टी ये ध्यान में रख रही है कि सबसे पहले टॉप लेवल लीडरशिप पीएमजी को ही अटैक कर रही है और ये रणनीति के तहत किया जा रहा है। लौटूंगी मैं आपके पास मनोगया, वहां पर स्वागत की तैयारियां कर ली गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। जिस प्रकार यहाँ अत्याचार और राजनीति हो रही है उसका भी जवाब देना है, तो इसलिए पूरा देश भाजपा के हर एक कार्यकर्ता बंगाल के परिवर्तन के लिए लालायित है और सब मदद करने के लिए तैयार है। क्या क्या प्रोग्राम है, क्या क्या बस सांगठनिक बैठक है, काली मंदिर माँ काली का दर्शन करेंगे और अलग अलग सामाजिक जो समुदाय है उनके साथ बातचीत करेंगे। बंगाल कभी बाहर का अंदर का नहीं किया है। राष्ट्रगान लिखने वाले हमारे देश के महापुरुष हुए, तीन देश में गाया जाता है। राष्ट्रगीत लिखने वाले बंगाल के ही लोग हैं, देश के लिए बलिदान देने वाले हैं। बंगाल के महापुरुष का पुतला कन्याकुमारी में होता है, बंगाल के महापुरुष काश्मीर में बलिदान करते हैं, और बाहर से चुनाव जिताने के लिए टीएमसी के लिए कोई आए ठीक है, बाहर से बहू आ सकती है घर में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, नेशनल पार्टी का अगर प्रेसिडेंट आते हो बाहरी हो जाएंगे, बंगाल के लोग उसको नहीं मानते। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।